गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा ही था सारी कहानी कि किस तरीके से एल्गोरिथम वर्क करेगी, मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम। अब अभी हम लोगों को उसका सिर्फ प्रोग्राम बनाना, तो प्रोग्राम बनाने के लिए ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और यहाँ अब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। हाँ, सॉल्व करने के लिए टेस्ट में नहीं दिए क्वेश्चन, मैंने सोचा बस इजी इजी सा पेपर दे दूँ, क्या है बहुत मेहनत। पॉइंट लाइन नहीं, मिड पॉइंट सर्कल अपन पढ़ रहे हैं। डॉट्स डॉट एच ये अपने वॉइड में इंट जी डी इज इक्वल टू जीरो सी एल आर एस सी आर एड्रेस ऑफ जी डी एड्रेस ऑफ जी एन वेरिएबल लिया। क्यों लिया? ताकि हम लोग क्या कर सकें, ताकि हम लोग क्या कर सकें, सेंटर और रेडियस के इनपुट ले सकें। कमेंट देना करना मैंने सब आपको पहले से बताया, ठीक है? ये मैंने आपको समझा रहा है कि सी आउट एंडर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एच कॉमा इन एच सी आउट हमारे पास सेंट्रल कोऑर्डिनेट आ गया और हमारे पास रेडियस आ गई। अब उसके बाद हम लोगों को नए वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा डी कॉमा टी एस कॉमा डी टी। ये वेरिएबल सबको पता है डिक्लेयर कर, आपको पता है एक्स को इनिशियलाइज करेंगे जीरो से और वाई को इनिशियलाइज करेंगे आर से, ये तो कॉमन सी बात है, ये हमारे पास ऑलरेडी क्लियर है हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद डी का जो फॉर्मूला होगा वन माइनस आर हो जाएगा मिड पॉइंट सर्कल में। डी एस का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा उधर था फोर एक्स प्लस सिक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस थ्री, सिक्स की जगह थ्री आ जाएगा। डी टी वहां पे था फोर ब्रैकेट में, तो यहाँ पे हो जाएगा टू मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई। लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी, अगर ये डी एस डी टी आप यहाँ करोगे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। डी एस डी टी में एक बार के लिए जो वैल्यू आ जाएगी वो अभी एक्स और वो वाई है उसकी आ जाएगी, बाद में एक्स और वाई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा वो आएगी नहीं। तो इसलिए अभी डी एस और डी टी की वैल्यू लिखने का कोई सेंस नहीं है। आप सिर्फ वाई लूप लगाओ और इस लूप पे चेक कर लो कि भैया क्या एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है क्या, अगर है तो आगे चलो। क्लास में स्टूडेंट्स को ये तो क्लियर हुआ ना कि मैंने डीएस और डीटी वहां क्यों नहीं लिखी, धीरे धीरे हो गई वॉइस वॉइस क्लियर है क्या? अभी बोलो
वॉइस अभी सबको क्लियर आ रही है? ठीक है। अच्छा ये बात आपको क्लियर रहेगा कि मैंने डी वहां पे 1-r लिखा है, डी एस और डी टी ये दोनों वेरिएबल वहां पे डिक्लेयर नहीं किए, वहां से मैंने हटा दिए। क्यों हटा है ये बात आपको समझ में आई क्या? देखो हाँ समझो भाई, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डी एस डिक्लेयर करता हूँ और डी एस में वैल्यू डाल देता हूँ 2x और प्लस में 3, तो अभी x की वैल्यू क्या है? 0। तो डी एस की वैल्यू क्या चल जाएगी? 2x0+3 मतलब 3, तो डी एस की वैल्यू क्या हो गई? 3। लेकिन आगे जब x इंक्रीमेंट होगा तो x की वैल्यू 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी, तो x की वैल्यू में चेंजेस आ जाएंगे। उस केस में x अलग होगा तो तब तो डी एस की वैल्यू भी अलग होनी चाहिए, लेकिन डी एस की वैल्यू तो हमने एक बार फिक्स कर दी है यहाँ पे 0 के हिसाब से, तो उस केस में वो सर्कल ड्रॉ नहीं होगा, वो कुछ भी ड्रॉ हो जाएगा। तो इसीलिए डी एस और डी टी की वैल्यू अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हो तो वो गलत होगा। बताओ समझ में आया क्या आप सभी को? क्लियर है सभी को? अभी क्लियर है? हाँ देखो आगे। अब अपन क्या करते हैं, जब तक x less than equivalent to है y के तब तक लूप चलता रहना चाहिए। अब उसमें अपन ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अपन ने चेक किया कि भैया चेक कर लो if कंडीशन, और if कंडीशन से पहले भी क्या कर लो, पुट पिक्सल में पिक्सल्स ड्रॉ कर दो। तो आपको पता है ड्रॉ करने के लिए x कॉमा वाई और कॉमा उनका कलर याद आ जाएगा, लेकिन इसमें भी आपको पता है कि जो हमारा रेडियस है सॉरी जो सेंटर है वो सेंटर कुछ अलग होगा। तो ये तो 0r पे ड्रॉ करेगा, 0r तो पता नहीं कहाँ होगा, तो जो सेंटर है वो भी आना चाहिए, तो उसके लिए प्लस h और प्लस k आपको करना पड़ेगा। इसको कॉपी कर लिया कंट्रोल इंसर्ट से और शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट कर दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times अपन ने ये ड्रॉ कर दिया। क्लियर? उसके बाद आपको पता है यहाँ पे जो है y आएगा, x y y x x y y x ये होगा, और यहाँ पे आएगा y x y x x टॉप टू को छोड़ के सेंटर में 4 पे हमने माइनस लगा और इधर बॉटम 4 पे हमें माइनस लगा। उसके बाद कलर हम लोगों ने चेंज कर देना है, रेड व्हाइट लिखते हैं 10, 11, 12, 13, 9, 8, 7 ये अपन ने कोड लिख दिया। तो 8 पिक्सल्स कुल मिला के ड्रॉ होने हैं, वो 8 पिक्सल्स यहाँ पर ड्रॉ होंगे। ठीक है, कुल पिक्सल के बाद अपन चेक करेंगे कि अगर d की वैल्यू d लेस देन 0 है तो लेस देन 0 के केस में आपको क्या करना है, d जो है वो प्लस d प्लस 2x और प्लस का 3 यही होगा। मैंने आपको बताया जब तक एक लाइन है तब तक आप ये नहीं भी लगाएंगे ब्रैकेट्स तो भी चलेगा। ठीक है, हर केस में आपका जो x है वो तो प्लस होना ही है हर केस में, तो उस प्लस को 2 बार लिखने से अच्छा है यहाँ पे आप उसको लिख दो x प्लस प्लस, कि हर केस में x को तो प्लस होना ही होना है, x में कोई चेंज नहीं हुआ हमेशा प्लस होगा। और ये इफ मैंने लिख दिया, आप चाहो तो ये 2 लाइन में कोड और हटा सकते हो, यहाँ से इसको रिमूव कर दोगे तो भी ये चल जाएगा।
अगर एल्स लिखते हैं तो एल्स में लगाना जरूरी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एल्स में वाई माइनस माइनस भी होगा और डी की जो वैल्यू है वो बनेगी डी प्लस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई और प्लस का टेन की जगह वहां फाइव आ जाएगा कि हाफ हो, ये काम हो गया। अब उसके अलावा मैंने एक क्या किया यहाँ पे, डिले फंक्शन कॉल किया और डिले फंक्शन को मैंने बोला कि भैया आप जो है 500 तक चल जाओ, मतलब 500 तक चल जाओ और जैसे पूरा सर्कल बन जाए उसके बाद मैंने बोला कि गेट सीएच जो है थोड़ी देर तक ये बच्चा रुक जाए तो हम आगे देख लेते हैं। ये पूरा मैंने प्रोग्राम बनाया। तो अभी तक जो इस प्रोग्राम में मैंने जितना कुछ भी लिखा है इतनी बात में किसी को कोई डाउट है तो क्लियर करो, क्योंकि ये सारी बातें वही है जो अपन ऑलरेडी पढ़ के आए हैं या जो ऑलरेडी हमने इससे पहले पढ़ा है। इस प्रोग्राम में किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आई या हमने ये कंडीशन कौन सी लगाई, ऐसा अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मेरे से क्लियर कर लो, समझा देता हूँ। देखो कल अपन ने बात करी थी कि जो डी है और ये ब्रेसन एम्स में भी लगता है, अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो एक्स में इंक्रीमेंट होता है, वाई में कोई चेंज नहीं होता और डी जो है वो डी क्या होता है, डी प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ये यहाँ पे होता है। और अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो क्या होगा, एक्स में प्लस प्लस और वाई में माइनस माइनस और डी जो है वो क्या हो जाएगा, डी प्लस टू एक्स माइनस वाई प्लस फाइव के फॉर्मूला। तो x तो दोनों में प्लस हो रहा है इसलिए मैंने x को बिल्कुल बाहर लिखा है कि वो हमेशा प्लस होगा और इसमें d की वैल्यू लिख दी मैंने, और else में जो लिखा है वो लिखा है मैंने कि भाई y माइनस माइनस हो जाएगा और d की वैल्यू जो है वो d प्लस टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई प्लस फाइव आ जाएगी, ठीक। तो अभी भी अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी अगर तकलीफ है अभी भी तो आप मेरे से क्लियर कर दो, सर हमको ये वाली बात अभी भी समझ में नहीं आई। ये भी ऐसा स्टूडेंट जिसको कोई बात नहीं समझ में आ रही है आप मेरे से अभी क्लियर कर दो, मैं वो क्लियर कर दूंगा। कोई दिक्कत है तो कोई डाउट नहीं, ठीक। अब देखो हमने इसको कंपाइल किया और ये रन किया, कोऑर्डिनेट मांगे तो हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट दे दिए, आप देखो ये जो सर्कल ड्रॉ हो रहा है आधे सेकंड के गैप से ड्रॉ हो रहा है सर्कल, तो 8 पिक्सल एक साथ ड्रॉ हो रहे हैं, आपको जो दिख रहा है पूरा बनता हुआ 8 पिक्सल्स बन रहे हैं एक साथ, देखिए 8 पिक्सल्स एक साथ ड्रॉ, ठीक है। इसी को एक बार और रन कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट देते हैं 200 300 100 पिक्सल्स हैं वो इस तरीके से ड्रॉ हैं। ये मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम, तो जैसे ब्रेसन हेम्स सर्कल एल्गोरिथम थी उसी तरीके से मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम है, सिर्फ एक छोटे से कॉन्सेप्ट का ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। ये पूरा आपका सर्कल ड्रॉ हो चुका है गाइस, आपको समझ में आया होगा। देखो जितना स्मूथ आप चाहते हो उतना स्मूथ तो इसमें डायरेक्ट ऐसा नहीं बनेगा, उसके लिए हमको और
नई चीजें भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जितना प्रेसेंट एम्स पर ड्रॉ हुआ था उससे कहीं ज्यादा ये स्मूथ बनता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मेरे से क्लियर कर लो। किसी को कोई डाउट नहीं, चले आगे। देखो अगर यहाँ तक तो कोई डाउट है तो आप बता दो, अदरवाइज अब हम कोई नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, अब हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं, उस नए के अकॉर्डिंग बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज हो। चले आगे, चलो देखो आगे समझो। ये पीडीएफ सभी को विजिबल है, पूरी क्लास में सभी को विजिबल है क्या ये पीडीएफ? अब हमारा जो नया टॉपिक है गाइस, बिल्कुल अब आप नोट करने पर थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करना चीजों को, कि हम लोग कैसे नोट कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, उस बात को ज्यादा समझना, नोट करने वाला पार्ट आ गया। ठीक है, देखो अब है 2D ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे टॉपिक का नाम है 2D ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में एक्चुअल में होता क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग, तो हमारे लिए चीजें और ज्यादा इजी हो जाएगी काम करना है और समझना। ट्रांसफॉर्मेशन में आपका जो ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को जो चेंज करने का प्रोसेस रहता है, वो चेंज करने का प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। वो चेंज साइज वाइज भी हो सकता है, वो चेंज उसके शेप में भी हो सकता है, वो चेंज उसकी पोजीशन में भी हो सकता है, वो चेंज उसके किसी भी तरीके से हो सकता है। कैसे? यहाँ पर टोटल 5 तरीके के 2D ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन 2 तरीके से होते हैं, एक 2D ट्रांसफॉर्मेशन, एक 3D ट्रांसफॉर्मेशन। 2D ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सिलेबस में, 2D ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम 5 तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। पहला ट्रांसलेशन, दूसरा रोटेशन, थर्ड स्केलिंग, फोर्थ रिफ्लेक्शन जो सिमेट्री में हमने देखा, और फिफ्थ शेयरिंग। तो जो इनिशियल 3 ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग, ये 3 ट्रांसलेशन बहुत बेसिक्स है, लेकिन जो 2 ट्रांसलेशन है, रिफ्लेक्शन और शेयरिंग, ये डिराइव करके बनाए गए हैं। तो 3 ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन जो लास्ट 2 है, रिफ्लेक्शन और शेयरिंग, ये डिराइव्ड है, इसको डिराइव किया जा सकता है, इसको डिराइव किया गया है। ठीक है, तो टोटल हम लोगों को 5 तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। इस ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में ये 5 पॉइंट आप पहले नोट कर लो, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन और शेयरिंग। उसके बाद हम आगे के थ्योरेटिकल पार्ट की बात करते हैं। आगे चीजें थोड़ा सा समझने वाली भी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है, तो इसको जल्दी से नोट करो, हम आगे बढ़े। हाँ मिस्टर प्रथम, सर ये फिफ्थ में लिखा ना शेयरिंग और शैडो में क्या डिफरेंस है? हाँ पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? माय वॉइस, ये जो शेयरिंग लिखा है ना फिफ्थ पॉइंट पे, शेयरिंग, हेलो, हाँ हाँ पूछो, शेयरिंग का क्या करना है? जो ये शेडो और ये एक ही क्या सिमिलर है क्या दोनों? शेडो और शेयरिंग, ये वाली फिफ्थ वाली, हाँ तो उसमें इतना कोई डिफरेंस है नहीं ना? आपके नहीं, शेयरिंग को अपन शेडो से कंपेयर कर सकते हैं, सेम कर सकते हो? नहीं देखो, शेयरिंग को शेडो से आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसको एग्जैक्ट ये नहीं बोल सकते कि जो शेडो का इफेक्ट है वही शेयरिंग इफेक्ट है। समझ रहे हो?
शेयरिंग को आप शेडो के साथ कंपेयर कर सकते हो, लेकिन दोनों इफेक्ट सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। देखो हाँ नितेश नोट कर लो, उसके बाद हम आगे के थ्योरेटिकल पार्ट में चलते हैं, जो आगे का थ्योरेटिकल पार्ट है। नोट सभी ने कर लिया। देखो तो आगे समझो कि 2D ट्रांसफॉर्मेशन मींस चेंजिंग द शेप साइज ओरिएंटेशन और पोजीशन ऑफ 2D ऑब्जेक्ट सच दैट द कोऑर्डिनेट्स वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि मान लीजिए आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिया गया, उस ऑब्जेक्ट का शेप आप चेंज करना हो, जैसे कि स्ट्रेट लाइन है, इसको आपने कर्व्ड शेप में कन्वर्ट करके इसको सर्कल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, या आपने कर्वी लाइन इसको बना दिया, इसके साइज में चेंज कर दिया, इसको जैसे पकड़ के स्ट्रेच कर दिया तो लाइन थोड़ी सी बड़ी हो गई, इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, ये भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर दिया कुछ तरीके से, इसकी पोजिशन चेंज कर दी। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में आप इस तरीके के चेंजेस करते हैं 2D, तो वो सारे आपके पास क्या कहलाता है, 2D ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके के सारे चेंजेस क्या कहलाते हैं, 2D ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वो 2D ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं इस तरीके के सारे चेंजेस। आगे बोला है देयर आर 5 ट्रांसफॉर्मेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म एनी 2D ऑब्जेक्ट। टोटल हमारे पास 5 अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो किसी भी 2D ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म किए जा सकते हैं और उनका रिजल्ट हम लोग, 5 कौन कौन से होते हैं वो अभी हम लोगों ने देखे। इन 5 में से जो 3 होते हैं वो बेसिक होते हैं और जो 2 होते हैं वो ड्राइव करके बनाए गए हैं इनका यूज करके। तो आउट ऑफ 5 ट्रांसफॉर्मेशन 3 आर नोन एज बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड अदर 2 नोन एज डिराइव्ड ट्रांसफॉर्मेशन। द बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस आर ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग। तो हम लोगों को ये 5 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने हैं, 5 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के बाद अब हम लोगों का थोड़ा सा और सिलेबस आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो 5 ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो पहले इनके तीनों पॉइंट नोट कर लो कि 2D ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट भी आप जल्दी से नोट करो और मेरे को अपडेट करो तो हम आगे बढ़े।
ये कर लिया क्या आपने नोट सभी ने? जल्दी बताओ। ओके वेरी गुड, नोटेड। अब आगे समझो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसलेशन। तो अब हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, हम लोग ये समझेंगे कि ट्रांसलेशन का मीनिंग होता क्या है। देखो, ट्रांसलेशन का मीनिंग ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए अभी एक लाइन है, वो मान लीजिए लाइन है, इसके इस कोऑर्डिनेट की मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, वैल्यू बदल देता हूँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। मतलब ये अभी कोऑर्डिनेट यहाँ है तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ चल जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट आगे चला जाएगा, तो वो क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गई। तो वो हमारे पास पॉइंट क्या होता है, ट्रांसलेशन का मीनिंग उसका ये समझ। ठीक है, जब हम कोऑर्डिनेट की वैल्यूज को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो अब वो चाहे लाइन हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर आपने उसके कोऑर्डिनेट्स के पोजीशंस चेंज कर दी, तो जो पोजीशन एक कोऑर्डिनेट में चेंज हुई है, सेम तरीके की पोजीशन सारे कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो। कहने का मतलब, अगर इस लाइन को मैं यहाँ, ये लाइन अभी यहाँ है, यहाँ से हटा के मैं इसको यहाँ ले जाना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ जाने में जो चेंजेस आएंगे, तो जो कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं, मतलब ये फुट के कोऑर्डिनेट यहाँ से उठ के यहाँ पे जो डिस्टेंस आई होगी, वही डिस्टेंस इसमें भी रहेगी, डिस्टेंस सेम रहेगी। इस बात को समझिए, डिस्टेंस अलग नहीं होगी। तो आप पहले इन दो पॉइंट को नोट करो, ट्रांसलेशन की हेडिंग डाल के, फिर मैं आपको इसको पेंट में ले जाकर समझाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करे। जल्दी से नोट करो। Now noted guys, yes or no? ये नोट कर लिया सभी ने? Yes प्रथम। Okay, ठीक है, कर लीजिए आराम से। थोड़ा सा क्या है, ये जो अपन पांचों ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ये थ्योरेटिकल थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब इसमें आपको नोट करने का बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है, चीजें नोट करनी पड़ेगी आपको। अभी कुछ पॉइंट्स हैं, फिर इसके बाद इसका डायग्राम आएगा, फिर इसकी मैट्रिक्स ऑर्डर आ जाएगा, फिर इसका फॉर्मूला आ जाएगा, फिर इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, तो एक ट्रांसलेशन ही कम से कम दो चार पेज का बनेगा। नहीं, ये मेरे पर्सनल नोट्स नहीं है गाइस, ये ऑलरेडी मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो मैं क्लास में जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे ही जो पढ़ाया था बच्चों को लास्ट टू लास्ट ही, उन बच्चों ने नोट्स बनाए हुए हैं, तो ये जब ऑनलाइन स्टार्ट हुआ तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाना था। ये उनके नोट्स हैं जो बच्चे ने लिखे हुए।
जैसे ही आप इसको नोट कर लो आप मुझे इन्फॉर्म करो, फिर आगे बात करते हैं। दो छोटे-छोटे से पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये भी है, उसके बाद ये दो पॉइंट भी, ये भी कर लो, फिर हम लोग इसको समझते हैं। ये दो पॉइंट है, ये भी नोट कर लो, फिर हम लोग समझते हैं आगे पेंट। जल्दी से प्लीज इन दो को भी नोट कर लो, फिर हम लोग आगे इसको पूरा ट्रांसलेशन को समझते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। Now done or not? मैंने क्या कही कि नोट कर लिया आपने? ओके कर लीजिए। बात करते हैं ट्रांसलेशन को समझने के, ट्रांसलेशन किस तरीके से वर्क करता है। देखिए ये आपके पास एक 2D प्लेन है। 2D प्लेन में गाइस ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है और ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है O और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। अब अपन मान के चलते हैं कि आपके पास एक लाइन है और वो लाइन है ये, कुछ ऐसी है लाइन, और इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं, ये कोई पॉइंट ए और ये कोई पॉइंट बी,
अपन अज्यूम करते हैं कि ये जो लाइन है ये देखिए ये इसके कोऑर्डिनेट साइन है, अपन मानते हैं कि ये पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, ये अपनी अजम्पशन है। तो जो ए के कोऑर्डिनेट है वो हम लोगों ने अज्यूम किया कि ए को कोऑर्डिनेट 2.3 है और जो बी है इसे कोऑर्डिनेट 5.7 हो जाएगा इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ए के जो कोऑर्डिनेट है वो 2.3 और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो 5.7। अब इस पे अगर मैं ट्रांसलेशन अप्लाई करूंगा तो ट्रांसलेशन का मतलब होगा एक्स और वाई में चेंजेस। तो अगर यहाँ पे ये P1 एक कोई लाइन है, P1 कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस पे मैं ट्रांसलेशन अगर अप्लाई करता तो ट्रांसलेशन के लिए मेरे को 2 चीजें चाहिए होती है। पहला ऐसा समझ लो हमको चाहिए होता है ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट और उनको बोलते हैं T of x, T of y। ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट होते हैं T of x, T of y। ये आपको गिवन हुआ क्वेश्चन। तो मान लीजिए यूजर ने दिया T of x की वैल्यू 3 और T of y की वैल्यू उसने 4 दे दी, तो इन शॉर्ट ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट हो गए 3.4। तो जो ए पॉइंट है वो आपके पास है 2.3, तो इसकी वैल्यू x और इसकी वैल्यू y अपन मान लें, तो जो नया कोऑर्डिनेट आएगा x1 नॉट, मतलब ये x1 और अगर ये y1 है तो x1 नॉट जो आएगा वो क्या आएगा, x1 प्लस ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट, मतलब 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। और जो नया कोऑर्डिनेट आएगा y1 नॉट वो क्या आएगा, y1 प्लस ty। तो दैट मीन y1 की वैल्यू 3 और ty की वैल्यू 4, तो मतलब 7। तो a का कोऑर्डिनेट अगर 2.3 था स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो ट्रांसलेशन के बाद जो a डैश आया है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 5.7। तो मतलब ये जो पॉइंट है अब ये कहाँ बन जाएगा, ये पॉइंट अब यहाँ बना होगा, ये पॉइंट अब यहाँ बनेगा, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ए डैश हो गया। आगे बात समझ में, अब ए डैश हो गया मतलब ए वहां शिफ्ट हो चुका है। अब ऐसे ही अगर मुझे बी के लिए भी इसको करना है, तो अगर बी जो है वो मेरे पास 5.7 है, इसको मैं बोलता हूँ x2, y2, तो अगर x2 नॉट में निकालूंगा तो क्या आएगा, x2 प्लस tx, यानी 5 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 8, और y2 नॉट अगर मैं निकालता हूँ तो आएगा y2 प्लस ty, तो वो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 4 दैट मीन 11। तो बी नॉट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 8.11। तो पहले ये कोऑर्डिनेट 5.7 था, अभी कोऑर्डिनेट कहाँ चला गया, 11.8 पे। तो ये देखो कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट चला गया। तो अब ये जो पॉइंट है वो मेरे पास बी डैश है और इसका कोऑर्डिनेट है 8.11 और इसका कोऑर्डिनेट है 5.7। पहले लाइन कहाँ थी, अब लाइन कहाँ चली गई है, तो ये जो नई लाइन बनी है इसको बोलेंगे P1 डैश। तो P1 डैश ये हो गया है। तो ये वाली जो बात है ये है हमारे पास बिफोर ट्रांसलेशन और ये जो लाइन है वो है आफ्टर ट्रांसलेशन। ये आपका ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट, क्लियर है, इन दो बातों में कोई डाउट है, इसमें किसी को डाउट है तो इसको नोट कर लो, आप ये आप नोट कर लो, फिर बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो आप।